शीट। ये वर्गीकरण की चार इकाई लीनियस की योजना के अनुसार उसने कहा, और वर्तमान समय में अभी उसमें और भी इकाइयों को जोर दिया गया है। वो है फाइलम यानी समूह, क्लास को दिया वर्ग, ऑर्डर को बोलते गण, ये फैमिली है कुल, जीनस हुआ वंश और स्पीशीज हुआ जाति। इसके बाद आवश्यकता अनुसार इसमें और भी उप इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि संघ है ना तो उपसंघ भी होता है, वर्ग है तो उपवर्ग भी होता है, वंश है तो उपवंश भी होता है, जाति है तो प्रजाति भी होती है। लेकिन आवश्यकता अनुसार हमने ये नहीं कहा कि सबों में ये होगा। और फिर इसी के आधार पर कोरोलेस लेनियस ने द्विपद नाम पद्धति के बारे में बतलाया, कहा कि अगर क्षेत्र बदल जाता है हम पहचान कैसे करेंगे, वर्गीकरण का क्या एम्स है, क्या उद्देश्य है। तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है कम समय में जीवों का सही सही पहचान और उसकी क्या उपयोगिता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। कहा कैसे किया जाएगा, अगर क्षेत्र बदल जाती है तो भाषाएं भी बदल जाती है और भाषा बदल जाने से एक ही चीज को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग व्यवहार में हिंदी में प्याज को प्याज कहते हैं, बंगला में भी प्याज को प्याज ही बोलते हैं, लेकिन तमिल में प्याज को बेंगायम बोलते हैं और कन्नड़ में प्याज को इरुली के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ प्याज की ही बात ना है, प्याज का तो हमने एक उदाहरण सिर्फ आपको दर्शाया है। दैनिक जीवन में तुम देखो केला को हम लोग केला हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बनाना बोलते हैं उसको, संस्कृत में कदली बोलते हैं, रंभ भी बोलते हैं। तो एक ही चीज को अलग अलग नाम से भी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से देखा गया कि उसका सही सही पहचान नहीं हो पाता, इसलिए कोरोलेस लेनियस ने कहा कि सभी सजीवों का एक वैज्ञानिक नाम होना चाहिए और उस वैज्ञानिक नाम में दो शब्द, उसने कहा द्विपद नाम पद्धति, उसमें दो वर्ण होना चाहिए, दो पद होना चाहिए, इसलिए उसका नाम दिया गया द्विपद। एक पद जो है उसका जेनेटिक नाम है, जीनस का, वंश का, और दूसरा पद जो है स्पेसिफिक नाम है, उसके जाति का है, स्पेसीज का बोध कराता है, उसके जाति का बोध कराता है। अब चाहे क्षेत्र बदल जाए, भाषाएं बदल जाए, लेकिन उसका वंश नहीं बदलेगा, उसकी जाति नहीं बदलेगी। इसीलिए कोरोलेस लेनियस ने बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी दिया, प्रस्तुत किया। द्विपद नाम पद्धति उसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जिसमें सजीवों के वैज्ञानिक नाम में सदैव दो शब्द होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, और लिखते समय भी ये ध्यान देना है कि जब हम जीनस का नाम लिखते हैं, ये हुआ जीनस, वंश, ये नाम वंश का नाम होमो, और सेपियंस जो है ये स्पेसीज का नाम है। तो वंश के नाम का पहला लेटर जो है वह हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, लेकिन जाति के नाम का पहला लेटर जब भी होगा हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। ये वैज्ञानिक नाम लिखते समय ध्यान देना है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरस
लेकिन इंडिका ये स्पेसिस का नाम है, तो इसका फर्स्ट लेटर आई जो है स्मॉल लेटर में लिखा था। ये हमेशा याद रखना है। इसी प्रकार से सजीवों का द्विपद नाम पद्धति के द्वारा बायोलॉजिकल नाम दिया गया, जैविक नोमेनक्लेचर किया गया। यह है आपके वर्गीकरण का उद्देश्य कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, पहचान हो सके, उसकी उपयोगिता के बारे में जान सके।